दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार में आपका स्वागत है। ये पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी प्रारंभिक परीक्षा का साल पेपर है, ये पार्ट वन है। अभी थोड़ी देर में पार्ट टू भी मैं बना के अपलोड करूँगा, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग, तो पहले का आपका जो है ये सी सही होगा। और जो दूसरा है, दूसरे का 11 जुलाई विश्व जनसंख्या और भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, योजना आयोग। इस और सड़कों की लंबाई भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, पक्की सड़कों में महाराष्ट्र है और वैसे उत्तर प्रदेश है। और प्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो ये होगा आपका आयकर, इनकम टैक्स। और इसके बाद में दोस्तों जो ABC इंडेक्स है इसमें होगा स्वास्थ्य। ये जो ABC इंडेक्स होता है ये स्वास्थ्य से संबंधित। इसके बाद में है आपका है कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामलों वाला, इसमें 55% है शहरी क्षेत्र। और फिर द्वितीय प्रदूषक फ्लाई एश है आपका डी। और पारिस्थितिक तंत्रों में किसी प्रजाति विविधता सपष्टता काफ़ी अधिक होती है, इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर जो अगला प्रश्न है कि पत्तों की सरसराहट से कितने डेसिबल, तो ये 20 डेसिबल है। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP 21, इसका पेरिस आंसर होगा। फिर है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना, ये 2008 है, बिल्कुल कन्फर्म इसका आंसर है। इसके बाद में सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो ये है आपका महासागर। और उसके बाद में इंसिनेटर्स, ये जो है कूड़ा करकट जलाने के लिए, ऑप्शन इसका ए सही होगा। हरित गृह प्रभाव वैश्विक ताप में वृद्धि के लिए होता है, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य भाग होता है वो मीथेन है, ऑप्शन डी सही है। दर्द निवारक जो उत्तरदायी है गिद्धों वाला, 19 का डी डाइक्लोफिन है। और 2015 में सबसे अधिक CO2 का उत्सर्जक आपका चीन था, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है, तो वो इस्पात में होगा। और इसके बाद में ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसमें स्टीफन हॉकिंग ने ये पुस्तक लिखी थी। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत पूछा गया है, इसमें संतरा और आंवला दोनों है, लेकिन सबसे मुख्य आपका आंवला माना जाएगा। जीवन के अस्तित्व के लिए ये मंगल ग्रह भी हाल ही में पता चला है। और आइंस्टीन को निम्न में से उनके सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए उनको मिला था। और पर्यावरणीय प्रदूषण कौन नहीं करता, तो ये सौर ऊर्जा है, ऑप्शन बी इसका सही है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में कौन से विभागों में विभाजित किए जा सकते हैं, तो ये उपरोक्त सभी है। इसके बाद 32वां प्रश्न, आर्थिक मंत्री परिषद किसे कहा जाता है, तो ये योजना आयोग को, ऑप्शन ए इसका सही है, योजना आयोग को कहा जाता है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका को शामिल किया गया, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये PN भगवती थे, द एक्सीडेंटल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इसे संजय बारू हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है, 15वां प्रवासी दिवस ये वाराणसी में आयोजित किया जाएगा, पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री बने वो इमरान खान, ऑप्शन बी इसका सही है। रेमन मैक्सेसे पुरस्कार, इसका ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों इसका सही है। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी इसका सही है। और इसके बाद में है भारत पर तुर्की आक्रमण, इसका ए, कथन और कारण दोनों सही होंगे। और फिर नीचे एक तो प्रश्न आया है, हाथी गुम्फा का अभिलेख, इसका आपका खारवेल है। फिर अगला प्रश्न है कि पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं वो बोगोर है। इसके बाद में जो सुमेलित करने के लिए प्रश्न आया है, उसमें रसखान, ये रसिक प्रिया जो है इसके लेखक केशव हैं। और सुमेलित करने के लिए हंटर आयोग, सेडलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र, इसका ऑप्शन डी सही होगा, CABD। फिर पूछा गया भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, वो जोग जलप्रपात होगा, ऑप्शन ए इसका सही है। फिर वनस्पति जलवायु का सूचक कौन है, कोपेन है, ये कैंडोल नामक एक वनस्पति थी। और उसके बाद में आपका ये इसका अर्जेंटीना है। और इसके बाद में सिम्पसन गिब्सन, ये जो दो मरुस्थल हैं ये ऑस्ट्रेलिया में है। और इसके बाद में काली मिट्टी वाला प्रश्न है, इसमें काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन डी ये गलत है, ये वहाँ पर नहीं पाई जाती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, ऑप्शन ए इसका सही है। और इसके बाद में जो है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, तो प्राकृतिक वृद्धि दर जो है ये अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, यानी कि ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा होता है। ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा प्रोग्राम मनरेगा है, ऑप्शन ए सही है। और उसके बाद में जो है अगला प्रश्न, आर्थिक दृष्टि से जो लिंगानुपात में सबसे नीचे है, तो ये ऑप्शन डी आपका हरियाणा है।
इसके बाद में वनों वाला है कि कितने प्रतिशत वनों के अंतर्गत है। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का, तो इसका 21.54 यानी कि सी ऑप्शन इसका। इसके बाद में है कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, तो 1972 में। और मानव जनित जीवोभ का उदाहरण कौन सा है, तो फसली भूमि है, ऑप्शन डी सही है। सबसे बिना पानी पिए रह सकता है वो ऊंट है। और इसके बाद में है कि प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी ये जामनगर, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जामनगर है। फिर दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ये ऑप्शन ए यानी कस्तूरी मृग। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है हर साल, और कौन मृदा से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इडेफिक है इसका आंसर। और ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है ये स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की सांद्रता पाई जाती है। नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कृषि में काम करने के लिए मिला था, लेकिन कृषि में नोबेल नहीं दिया जाता है, वो शांति में, अर्थशास्त्र में, चिकित्सा में, इत्यादि में दिया जाता है, भौतिकी में, तो वो दिया गया था शांति के क्षेत्र में। उसके बाद ओजोन परत जो है ये ट्रोपोस्फीयर लिखा हुआ है, ये सम्मिलित नहीं है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और सिमलीपाल ये असम में है, ऑप्शन डी सही, डीवाला होगा, सिमलीपाल मध्य प्रदेश, इसमें लिखा हुआ है। फिर है कि जयंत विष्णु नारलीकर यानी जेवी नारलीकर के अनुसार किसे विज्ञान नहीं माना जाता था, तो ये दोस्तों ए ऑप्शन ज्योतिष को नहीं माना जाता था। और रोंटजेन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। डीएनए की कुंडली वाला जो है ये वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी इसका सही है। और उसके बाद में है कि मीथेन निम्न में से निकलती है, उत्सर्जित होती है कहाँ से, तो ए और बी दोनों से है, दीमक की बांबी से और धान की खेत से। कौन सा अर्धचालक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सिलिकॉन। और उसके बाद में 103 भारत के संविधान में प्रस्तावना वाला, तो इसका सही आंसर होगा 3521 होगा। मीरा कुमार लड़ी थी राष्ट्रपति का चुनाव रामनाथ कोविंद के खिलाफ। और उसके बाद में प्रथम नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगड़िया, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी सही है। और संविधानेतर इतर संख्या है वो नीति आयोग, ये संविधान का भाग नहीं है। सरकारी आयोग ने केंद्र और राज्य के संबंध में, ऑप्शन डी है इसका। इसके बाद में सर्वप्रथम संसदात्मक प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके में, 109 का ए और 110 का है, नई अखिल भारतीय योजना, ये राज्यसभा की अधिकार है एक। और हम नागरिकता की बात है जो 5 से लेकर 11 तक, ये भाग द्वितीय यानी भाग सेकंड में है। ढींग एक्सप्रेस दोस्तों बिल्कुल कन्फर्म है, ये हीमा दास का मुँह बोला नाम है। समलैंगिकता वाला भारतीय दंड संख्या 377 है। सुपरसोनिक मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। और ये एंड्रेस मैनुअल लोपेस एब्राडोर जुलाई 2018 में मैक्सिको के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। पनामा पेपर्स ये आपके पाकिस्तान के नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को 10 साल की सज़ा हुई है। और शरणार्थियों वाला जो प्रश्न है 121, इसका सी असम है। और जो सफ़र है इसके हैं हर्षवर्धन, या हर्षवर्धन ने इसका उदाहरण किया, तो ऑप्शन सी 122 का बिल्कुल सही होगा। और विज्ञान ने जो बताया है ये मंगल ग्रह, इसका ऑप्शन डी है, मंगल। और इसके बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता, ये सिंगापुर में उन्होंने मुलाकात की थी 12 जून 2018 को। फिर है सबसे लंबी तटरेखा, आप लोगों को मालूम है कि सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, उसके बाद में आंध्र प्रदेश की है। और जैविक आपदा ये सही नदी है। और कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, वो ताप्ती और नर्मदा हैं, मध्य प्रदेश से निकलती हैं। और वैश्विक गांव की संकल्पना किससे संबंधित है, तो परिवहन एवं संचार, ग्लोबल विलेज। सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती है इसका। फिर जो अगला प्रश्न है ये सुमेलित करने के लिए है, केरल दोदाबेट्टा, नागालैंड नंदा देवी, उत्तराखंड अनायमोदी, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है, क्योंकि तमिलनाडु में आपका दोदाबेट्टा, उत्तराखंड में नंदा देवी है, केरल में अनायमुदी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, अभी इसमें कंफर्म नहीं, इन्हीं दोनों में से है जहाँ तक जम्मू कश्मीर है। और किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है, तो दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी है और सबसे अधिक जनसंख्या भी है, तो दोस्तों 150 का डी होगा। तो ये हो गए आपके लगभग 90% प्रश्नों के सटीक आंसर।
हो सकता है कि कुछ गलतियां इसमें रह गई हों, ऐसा होता भी है, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा दूसरा, जिसमें पूरे प्रश्न रहेंगे और सही रहेंगे। तो फिलहाल अभी आप लोग अपना देख सकते हैं, और अगर किसी प्रश्न में